ब्रांड न्यू व्लॉग और आज की जो सुबह है वो शुरुआत हो रही है स्विमिंग के बाथरूम से। तो अभी मैं यहाँ पे चेंज करने आया हूँ, सोचा कि पहले मैं नहा लूँ और उसके बाद आज का जो डे है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का प्लान है कि आज हम लोग एक जगह घूमने जाएंगे, शाम को मॉल वगैरह जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं अभी चेंज कर लिया हूँ, मैं अब जा रहा हूँ स्विमिंग में। एक घंटा नहाने के बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर रेडी होके सेकेंड हाफ में भी हम लोग कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे को, एक नया दिन बोले तो मलेशिया में सेकेंड डे। मलेशिया में स्विमिंग करने का स्टाइल, कंधे में ब्लोअर लिए हुए हैं और बैटरी चार्ज्ड है, तो आप स्विच ऑन करो, ब्लोअर से जो हवा निकलेगा उससे एक जगह यहाँ पे, ये वहाँ से करते 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 यहाँ पे कलेक्ट किया और यहाँ पे कलेक्ट हो जाने के बाद फिर यहाँ पे भी ब्लोअर मारते मारते फिर यहाँ पे कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे झाड़ू जैसा कोई सिस्टम नहीं है, ये ब्लोअर है, तो ब्रेन से काम हो रहा है, यहाँ पे मेहनत भी हो रहा है बट ब्रेन के साथ। पार्किंग ढूंढने में आधा घंटा ही बोलता, बट 15 मिनट में मैं अंदर घुसा और पार्किंग कर दिया। हमारी गाड़ी पार्किंग हुई है, ये वाली सिल्वर वाली। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं सनवे देखने के लिए कैसा है। आपने ऐसे भी इंटर का समय देखा होगा, कितना खूबसूरत लगा, लग रहा दुर्गा पूजा की तरह सजाया गया है, पंडाल जैसा, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी ऊपर जाएँगे पार्किंग लॉट से और एक्सप्लोर करेंगे जगह, क्या नया है यहाँ पर देखने के लिए, और आप लोग को भी दिखाएँगे कितना मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं। अभी आए स्वीट शॉप में, ये स्वीट शॉप है, यहाँ से एंट्री करके बहुत सारे कुकीज़ वगैरह रखा हुआ है, सब कुकीज़ हैं और लाइन से यहाँ पे स्वीट्स वगैरह है, बहुत सारे का टॉफ़ी है, जो टॉफ़ी लेना सबका टॉफ़ी मिलेगा यहाँ पे। टॉफ़ी रखा हुआ है अलग अलग फ्लेवर का, कलरफुल स्ट्रॉबेरी, केमिकल कैंडी, कोला वॉर्म गम कैंडी,
देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, लग रहा अर्थवर्म है ये तो। रेनबो कलर्स, जैसे कुकीज़ है यहाँ पर, ये 5 टेस्टी स्टिक्स, टॉफीज है वहाँ पे, कोकोनट का, ये सीड्स है, कोचा की बुंगा ना बोलते हैं, सीड्स है सब। हमको तो लग रहा है लाओ कुमरो होता है बंगाली में, हमारे यहाँ कोलकाता में वो सब का दाना है ये। ये पिस्ता, काजू, बादाम, और ये चिपे है आपका चिंगड़ी मछली का चिप्स, हमारे कोलकाता में बहुत मिलता है ये चिंगड़ी मछली। जो स्क्विड है वो चिंगड़ी मछली था। काफ़ी तरह के सब कैंडीज, फ्रूट्स, यहाँ पर टैटू शॉप, वाइटिस और टैटूज का डिज़ाइन है, जैसा करें टैटू कर लो, नो परमानेंट वार्ड या टू बॉडी फेस। फाइनली अभी वॉक करते करते हम लोग अभी आ गए हैं इस मॉल का सेंटर में, और बहुत सारे हमारे जो कोलकाता में जो मॉल वगैरह होता है ना उसके सेंटर्स में वाटरफॉल या वाटर के कुछ भी एक्टिविटी या एक छोटा सा एक आपका एक एक पूल जैसा बना दिया जाता है, सब मछली वगैरह रहता है, बट यहाँ पे उसको यूटिलाइज किया गया गेम्स में। तो मेरे सामने हो रहा है बहुत मस्त सा एक गेम, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो। यहाँ पर भी है तो आप देखिए, खूबसूरत अंगूर, ये अंगूर है, स्ट्रॉबेरी, और ये क्या है पता नहीं, और वहाँ पे आसफल बड़ा वाला। यहाँ से निकल गए अब हम लोग, अभी जो पार्क किए हैं उसको पे करना पड़ेगा पार्किंग चार्जेस, तो अभी मैं सामने में मशीन के पास जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे करने वाला हूँ गाड़ी की पार्किंग का फीस। तो ये सामने है मशीन यहाँ पे, तो ये मशीन मुझे पे करना है, तो मैं अपना गाड़ी का नंबर जो है वो डालूंगा और मैं मनी पे कर दूंगा। पे करने के बाद उससे जो स्लिप निकलेगा, स्लिप आई थिंक नहीं दिखाना पड़ेगा, सीधा गाड़ी लेकर बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि ये नंबर प्लेट का ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो गेट खुल जाएगी और हम लोग आराम से निकल जाएंगे। मैं पे करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। मैंने पार्किंग पे कर लिया और ये रहा पेमेंट स्लिप, तो यहाँ के हिसाब से लगा है 5 रिंगिट और इंडिया के हिसाब से होता है ऑलमोस्ट 89 रुपीज़। तो पे कर लिए, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। In 300 meters, turn left. So guys, finally 200 drive करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मलेशिया के लिटिल इंडिया, और ठीक इस बिल्डिंग के पीछे है आपका कौलालंपुर टावर, बोले तो पेट्रोनस टावर। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग करेंगे डिनर, और डिनर करने के बाद हम लोग जाएंगे KLCC वो बिल्डिंग देखने के लिए, यानी कि पेट्रोनस टावर देखने के लिए। तो यहाँ वैसे तो लंच, यहाँ पे थोड़ा डिनर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लिटिल इंडिया थोड़ा अच्छा से स्कैन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, और इंडिया ऐसा कुछ सेम है कि नहीं है। बहुत सुना है सिंगापुर में भी लिटिल इंडिया है, और मैं सिंगापुर लिटिल इंडिया ऑलरेडी घूर चुका हूँ, और मलेशिया का लिटिल इंडिया मेरे लिए पहला बार होगा। और यहाँ पे जितने भी शॉप्स है सब साउथ इंडियन वाले है, कुछ हमारे तरह इंडियंस भी है यहाँ पे, और ज़्यादातर तो साउथ इंडियन के ही यहाँ पर सिटीजन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल इसके अंदर जाएंगे, और अभी इससे पहले आपने देखा पुत्रजया हम लोगों ने विजिट करके, पुत्रजया एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। आपको लगेगा आप इस्तांबुल वगैरह जगह में आ चुके हैं, तो वहाँ पे भी आपने देखा ही होगा कि मैं चलते हुए ही मैं सारा जगह को स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद वहाँ से डायरेक्ट मैं निकल के अभी लिटिल इंडिया में आया हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं, डिनर करते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलता है, खाने के बाद लिटिल इंडिया घूमेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे KLCC। चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स गो। पानीपुरी भी मिल रहा है यहाँ पे, पानीपुरी भी मिल रहा है ना। दिस आर द लाइट्स ऑफ द कैंडल लाइट्स, टेबल लाइट है, ये सब लग रखने के लिए।
सो गाइस फाइनली हम लोगों ने डिनर कर लिया। आपने देखा डिनर में क्या क्या था, बहुत सारा मेन्यू था, चिकन वगैरह था, रोटी था, तो मैंने लिया चिकन रोटी और नारियल पानी। और उसके बाद 15 मिनट हम लोग ने ड्राइव किया, बहुत जैम है क्योंकि आज सैटरडे नाइट है। और हम लोग कहाँ आए हैं, हम लोग आए हैं द फेमस पेट्रोनस टावर जो ठीक मेरे सामने है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये रहा पेट्रोनस टावर। और मैं इसको देख के बहुत मिस कर रहा हूँ। 2016 में मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम, और आज मेरे सामने 2022 में वापस मैं इस जगह पे आया हूँ। और मैं अभी रोड के साइड में, इसलिए मैं जहाँ ज़ोर से बात कर रहा हूँ, पता नहीं आवाज़ कैसा आ रहा है, फिर मैं ज़ोर से बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल मेरे सामने है, एक बार मैं अच्छा से आपको दिखाता हूँ पेट्रोनस टावर। सचमुच रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक डायमंड चमक रहा है। मैं वो दिखाता हूँ आप लोग। देखा आपने कैसा लगा, और आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट अच्छा लगा होगा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने अपना गाड़ी को यहाँ पार्क किया है, और ये सामने है केएलसीसी टावर। तो बस सामने यहाँ पार्क करके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये केएलसी टावर है, बस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 10:30, जल्दी निकलना है, घर जाना है। और तो सचमुच बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और मैं बहुत दिन से इसे मिस कर रहा था, और फाइनली बहुत सालों बाद मैं फिर से वापस आया हूँ। वापस आके मैं डेफिनेटली मैं ये टावर देखने में, मेरे को वो पुराना दिन सब याद आ गया है। तो बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं, लेट्स गो। हमने फरारी, और क्या खूबसूरत लग रहा है बॉस, पूरा रेड कलर का फरारी, ऑसम ऑसम, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो फिलहाल अभी घर की तरफ निकल रहे थे, तो रास्ते में फरारी ने किया मेरे को। सो गाइस फाइनली गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दिया है, अब जा रहे हैं ऊपर फ्लैट पे। मैं सोच रहा हूँ वीडियो को मैं यहीं एंड करूँ, क्योंकि कल फिर एक नया दिन है। तो गाइस अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ ये चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो मिलते हैं एक नया दिन और एक नया जर्नी में, और कल कहीं ये जाएंगे डेफिनेटली आपको वहाँ पर ले चलेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए वर्क हार्ड एंड अनलॉक लाइफ। आदियोस।